गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन हम सभी को चारों ओर थकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लड़ते हैं, कुछ सबक सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। वे इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर थका रहा है। मुझे दोष देना और ये सोचना छोड़ दे कि मैं समस्या हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूँ तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको यह एहसास होता है कि आप ही समस्या है तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं या ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, इसलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता है, डर दिखाता है। ज़्यादातर लोगों को अगर ज़्यादा पैसा दिया जाए तो केवल ज़्यादा कर्जे में ही डूबेंगे। डर की वजह से ही ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, जैसे बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर, या किसी पेशे या व्यवसाय को सीखने और फिर पैसे की खातिर काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज़ होते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरफ से सोच रही हैं। नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आएगी और वह उसका पीछा करने लगेगा।